दोस्तों, इस वक्त भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर इटली के अंदर संडे की शाम को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये एशिया और यूरोप के बीच में गेम चेंजर होगा। शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है, और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और यू नो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड डेवलपर, नो डाउट अबाउट इट। प्रॉब्लम आप लोगों को ये आ रखी है पाकिस्तान को कि और पूरी दुनिया को, इंडिया की तरफ से पहली बात वो इंडिया को तरक्की करता हुआ झेल नहीं पा रहे। भाई इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया पावरफुल हो रहा है, ये लोग आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि इंडिया किस लेवल पर है। जयशंकर वहां पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है इस वक्त। तारीफें कीजिए, वो तो हम भी करते हैं और करते थकते नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर जैसे अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते तो बस फिर तो मजा ही आ जाता। देखें जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इटली जो है वो उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स ट्रेड इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। जय हिंद दोस्तों। एक बात तो, एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप किसी के सामने ढीले पड़ जाओगे ना, किसी के सामने उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे या उसके सामने झुक के रहने लगोगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट याद होगा आपको, जब ब्रिक्स को लेके यूरोपीय मीडिया ने सवाल पूछा कि आपने ब्रिक्स क्यों बनाया, तो जयशंकर साहब ने उसी समय एक बहुत तगड़ा जवाब दिया था कि आपने G7 क्यों बनाया। यूरोपीय देशों को जयशंकर साहब ने कहा था आपने G7 क्यों बनाया, हमने तो ब्रिक्स बनाया, आपने G7 क्यों बनाया। ठीक है, ये अब देखो उसी G7 ने भारत को स्पेशल इन्विटेशन दिया और इटली रोम में G7 की मीटिंग हो रही, हाथ जोड़ के जयशंकर साहब को बुलाना पड़ गया G7 को। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर और जल्दी 2-3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगी। ये होता है अगर आप आंखें में आंख डाल के देखोगे ना, किसी के सामने झुकोगे नहीं तो खुद ब खुद आपकी इज्जत बन जाएगी। हाथ में कटोरा लेके और सबके सामने झुक जाओगे तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। खैर, जयशंकर साहब को स्पेशल इन्विटेशन, भारत को स्पेशल इन्विटेशन G7 में दिया गया और वहाँ पर जयशंकर साहब का जो स्वागत हुआ वो भी देखते बनता है। और जाहिर सी बात है जिस जहाँ पर भी भारत का प्रेजेंस होता है वहाँ वो मीटिंग खुद ब खुद इम्पोर्टेंस हो जाती है। और वो इंडिया की बात कर रहा है, वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, वो जयशंकर साहब को बुलाया गया है वहां पे G7 के लिए और वो अपनी जाके उन्होंने लाइन फिट कर ली है कि इटली जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू पे अटेंशन। आज के जमाने के अंदर ये जो G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, इटली, इन्होंने इंडिया को क्यों बुलाया? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, सो व्हाई इंडिया हैज बीन इन्वाइटेड देयर? Because they consider this it as a potential, a country which has the potential, इसलिए उसको बुलाया गया। ये G7 के लिए इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जी इंडिया ये कहता है कि आपने एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया हुआ है और आप उस क्लब में किसी को एंटर नहीं होने देते, तो हम एक पैरेलल क्लब लाइक ब्रिक्स बना बैठे हैं, हमने वो क्लब बना लिया। ये चीज जो है वो जारी बात है वेस्टर्न ममालिक को अच्छी नहीं लगती, दे डोंट लाइक इट कि हमारे मुकाबले के अंदर कोई ग्रुप आए, हमारे मुकाबले में कोई ऐसा ऐसा वो ऐसा आए जो ये कहे कि हाँ जी हम जो है वो आपके साथ एक कंपटीशन में आए हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर इटली के अंदर संडे की शाम को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये एशिया और यूरोप के बीच में गेम चेंजर होगा। जयशंकर वहां पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है इस वक्त, लाहौर इस्लामाबाद से कनेक्ट नहीं है। देखें जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं।
इटली जो है वो उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स ट्रेड इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। और इटली के साथ वो कहते हैं जी हमारी वैल्यूज एक हैं, क्योंकि इटली जो वैल्यूज वाला वर्ड है उसको बड़े अच्छे से समझता है। ये जितने भी वेस्टर्न जो ममालिक होते हैं ये वैल्यूज वाले जो अल्फाज होते हैं ना, जिनमें वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि इंडिया के अंदर जमहूरियत है, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत के आते हैं, अभी कल उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है और वहां पे वो दे मेड देयर पॉइंट के जी हम डिलीवर करते हैं, गुड गवर्नेंस करते हैं। सो नरेंद्र मोदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर्ड वैल्यूज उन्होंने इटली को बता दिए और हम जी हमारी जो सारी के सारी जिंदगी है वो सेंट्रिक, जयशंकर कहते हैं कि फैमिली सेंट्रिक वे ऑफ लाइफ है, हमारा फूड, हिस्ट्री और इन चीजों से बड़ा लगाव है। लेकिन पाकिस्तान में आपको देखने कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब इटली आपको पता है कि इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन एंड मेडिट्रेनियन पावर है। नरेंद्र मोदी की और जॉर्जिया मेलोनी की आपस में केमिस्ट्री जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इटली जो है इट इज पेइंग अटेंशन टू इंडिया बिकॉज क्योंकि चाइना से तो ऑलरेडी वो बैकफुट पे आ गए हैं। सो अगर चाइना से बैकफुट पे आ गए हैं तो एक ही मुल्क ऐसा रह जाता है जो बात करेगा किस खित्ते के अंदर जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं वो अपने जादूगरों से, अपने लोगों से, कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारी इकोनॉमी नहीं बेहतर हो सकती? क्या हम कनेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम बीआरआई जिसकी चाइना ने हमें बात की, क्या हम उसकी कहानी नहीं सुना सकते? क्या हम सीपैक की बातें नहीं कर सकते? क्या हम कनेक्टिविटी की बातें नहीं कर सकते? क्यों हमें आज हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है? हमें कोई सवाल बताए ना कि क्यों हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये तो कंटेनरिस्तान है पाकिस्तान है ना, तो वो कहते हैं कंटेनरिस्तान है। मुझे रिसेंटली एक डिप्लोमेट ने कहा इस्लामाबाद इज नो मोर इस्लामाबाद, इज कंटेनर आबाद। देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, या फिर पतंग जैसे उड़ती है जी, तो जी, पतंग के तो बसंत में पतंग उड़ाते हैं तो उसके पेंच लड़ाते हैं, या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और यू नो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड डेवलपर, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल पाकिस्तान में लोग मेजर साहब, मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को बुलाओ, दे वॉन्ट इंडिया बैक, वो इंडिया को बुलाना चाहते हैं और वो इंडिया को इसलिए बुलाना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि इंडिया जो है वो इट इज अ कंट्री विच हैज द पोटेंशियल, इसलिए बुलाया उन्होंने, और तो कोई वजह नहीं है। अगर कोई और वजह है तो मुझे बताएं, देर इज नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं है उनके पास। सो यहां पे हमें जिस पे फोकस करना है वो अपनी कनेक्टिविटी पे, बिजनेस पे, यही हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि दिस कंट्री। एक वक्त होता था कि कभी कराची मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता था एशिया पैसिफिक से, आज वो काम मुंबई करेगा, आज वो काम गोवा करेगा, आज वो काम जो है वो हैदराबाद करेगा, आज वो काम जो है इंडिया के साउथ में जो स्टेट्स हैं वो करेंगी, वो कनेक्ट करेंगी मिडल ईस्ट को एशिया पैसिफिक के साथ। ये काम कभी कराची किया करता था, लेकिन हमने अपनी किस्मत जो है वो खराब कर ली। हम आपस में लड़ लड़ के जो है वो जिसे वो कहते हैं ना हलकान हो गए। हुकूमत जो है वो जिसे कहेंगे ना कि इमरान खान फौज से लड़ रहे हैं, फौज इमरान खान से लड़ रही है, अवाम तमाशाई बने हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। दोस्तों G7 में भारत को बुलाया जाना आप इसी से समझ सकते हैं कि एक समय पे G7 में जितने भी देश हैं वो भारत के दुश्मन थे। कौन कौन? यूके भी भारत को ज्यादा लाइक नहीं करता, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें। पाकिस्तान का साथ यूके ज्यादा देता है, अमेरिका आपको पता ही है कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान का साथ देता रहा है, कनाडा आप अच्छे से जानते हैं, जर्मनी आप बहुत अच्छे से जानते हैं जर्मनी को भी। तो ऐसे देश हैं, इन्होंने किस तरीके से भारत को बुलाया होगा और कितना कठोर हृदय करके भारत को बुलाया होगा ये खुद जानते हैं। भारत की पावर इतनी है, भारत की जरूरत इतनी है इन देश को कि दिल पे पत्थर रख के इन्होंने बुलाया भारत को, क्योंकि भारत से इनको काम निकलवाना है। हालांकि जो वहां पे पहुंचे हैं जयशंकर साहब वो भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, वो सब डिप्लोमेसी समझते हैं। ये चाहते हैं कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ये कंट्रीज जो हैं
इससे भारत का तो फायदा फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा इन देशों का हो। ये चाहते हैं कि भारत से पढ़े लिखे युवा इन देशों में आए। पढ़े लिखे युवा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ये सब कहते हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ा के भेजो। इन्हें कहते हैं एक टर्म है इसके लिए बहुत अच्छी कि स्किल्ड वर्कर। हाँ, इन सभी देशों को स्किल्ड वर्कर चाहिए, ये स्किल नहीं देंगे हमें, स्किल्ड वर्कर मांग रहे। लेकिन भारत कह रहा नहीं, अगर आपको स्किल वर्कर चाहिए तो आपको अनस्किल्ड वर्कर भी लेना होगा, आपको भारत के स्टूडेंट भी लेने होंगे। और ये कह रहे नहीं, हमें सिर्फ स्किल्ड वर्कर चाहिए। भाई बड़ी गेम है इसके पीछे, यानी भारत में डॉक्टर बंदा बन जाए, भारत में इंजीनियर बन जाए, भारत में साइंटिस्ट बन जाए, इसके बाद ये वीज़ा देंगे, जाओ आओ हमारे देश में। ऐसे लड़के को वीज़ा नहीं देंगे जो अभी पढ़ रहा है, ऐसे फैमिलीज़ को वीज़ा नहीं देंगे जिनके पास स्किल थोड़ा लोअर क्वालिटी की, हाईली स्किल लोगों को ये वीज़ा देने की बात कर रहे हैं। भारत कह रहा है नहीं, देना है तो सबको दो, वरना हम स्किल लोगों को नहीं भेजेंगे। बड़ी गेम है भाई, G7 में देखते हैं क्या होता है।